Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to read a poem of class 3 from unit 2 and the poem is Bird Talk. तो बच्चों, क्या कभी भी आपने किसी भी पक्षी को या किसी पशु को देखकर ऐसा सोचा है कि ये पशु या पक्षी ऐसा क्यों है? क्यों इसके पंख हैं? क्यों ये इतना छोटा है? या फिर अगर बड़ा है तो क्यों ये इतना बड़ा है ना? पशु पक्षियों को देखकर, पेड़ों को देखकर हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये हमारे जैसे क्यों नहीं है, है ना? जो काम हम कर सकते हैं वो काम जो है ये नहीं कर सकते, या फिर जो काम ये कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते। जैसे चिड़िया उड़ सकती हैं, है ना? हम सोचते हैं ना कभी कभी कि काश हमारे भी पंख होते और हम भी उड़ पाते, है ना? तो इस पोयम के अंदर आज हम पक्षियों के नज़रिए से अपने आप को देखने वाले हैं, यानी पक्षी हमें देखकर क्या सोचते हैं। चलो पढ़ते हैं इस पोयम के अंदर कि पक्षी हमें देखकर क्या समझते होंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। थिंक, सेड द रॉबिन। रॉबिन कहता है, सोचो। रॉबिन कौन है? रॉबिन जो है एक पक्षी है। ठीक है, ये जो आपको पक्षी यहाँ नजर आ रहा है ये है रॉबिन। रॉबिन एक ब्राउन कलर का पक्षी होता है, भूरे रंग का पक्षी होता है, जिसकी छाती, जिसके आगे का हिस्सा जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो रॉबिन कहता है, सोचो। थिंक, सेड द जे। और जे कहता है, सोचो। तो यहाँ पर एक और पक्षी हमें नजर आ रहा है और इस पक्षी का नाम है जे। जे जो है ब्लू कलर का एक पक्षी होता है, जो कौवे जैसा होता है, लेकिन इसका रंग जो है वो नीला होता है। तो जे भी कहता है कि सोचो। अब क्या सोचें? सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो रॉबिन और जे एक दिन गार्डन में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, सोचो। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। लोगों के बारे में सोचो। पीपल यानी लोगों के बारे में, यानी हमारे बारे में, कि वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट द पीपल द वे दे ग्रो। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो। क्या तुम्हें पता है उनके जो है पंख नहीं है। ठीक है, फेदर्स यानी पंख। दे डोंट ईट बीटल्स। वो जो है हमारी तरह कीड़ों को नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स। उनके पंख नहीं उगते। दे डोंट लाइक सिटिंग। उन्हें जो है बैठना पसंद नहीं है। ऑन वायर्स एंड थिंग्स। वो हमारी तरह जो है तारों पर या किसी भी चीज़ पर ऐसे ही नहीं बैठ सकते, है ना? तार पे तो पक्षी बैठ सकते हैं, हम तो नहीं बैठ सकते ना तार पर। थिंक, सेड द रॉबिन। रॉबिन फिर से कहता है, सोचो। थिंक, सेड द जे। और फिर जे कहता है, सोचो। आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। क्या लोग इस तरीके से फनी नहीं हैं? जिस तरीके से वे हैं, जैसे वो हैं, वैसे बहुत फनी लगते हैं। यानी इन पक्षियों को इंसान जो है बहुत फनी लगते हैं। क्यों फनी लगते हैं? क्योंकि उनका बड़े होने का तरीका, उनका रहने का तरीका, दिखने का तरीका पक्षियों से, उनसे बिल्कुल अलग है, है ना? पक्षियों के पास फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं यानी पंख होते हैं। वो जो है बीटल्स, बीटल्स यानी कीड़े खाते हैं, है ना? वो वायर्स यानी तारों पर बैठते हैं, जो कि इंसान नहीं कर सकते। इसलिए इन पक्षियों को इंसान बहुत ही फनी लगते हैं। तो ये थी हमारी पोयम। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। तो देखते हैं क्या है डिफिकल्ट वर्ड्स इस पोयम के। पहला है थिंक। थिंक यानी डायरेक्ट वन्स माइंड टुवर्ड्स सम आइडिया, यानी अपने दिमाग को एक ही तरफ लगाना, यानी कुछ सोचना। ठीक है, रॉबिन, अ ब्राउन बर्ड दैट हैव रेड ब्रेस्ट। रॉबिन एक जो है ब्राउन कलर की जो है पक्षी होती है, जिसका सामने का हिस्सा यानी जिसकी छाती जो होती है वो लाल रंग की होती है। जे, अ बर्ड ऑफ क्रो फैमिली हैविंग ब्लू फेदर्स।
ये जो है एक पक्षी होता है जो कि क्रो की फैमिली का होता है, यानी वे ये बिल्कुल कौवे जैसा होता है, लेकिन इसके जो फेदर्स हैं, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का, यानी नीले रंग के पंखों वाली चिड़िया। नेक्स्ट इज सिटिंग। सिटिंग का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ बीइंग सीटेड। आपको पता है ना सिट मतलब बैठना, तो जहाँ पर हम ing लगा देते हैं किसी वर्ड के पीछे तो वो कंटिन्यूअस बन जाता है, यानी बहुत लंबे समय तक बैठे हुए। ठीक है, सिट यानी बैठना, सिटिंग यानी लंबे समय तक बैठे हुए। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो यानी बड़ा होना। ठीक है, गेट बिगर। नेक्स्ट इज फेदर। फेदर यानी प्ल्यूमेज। प्ल्यूमेज यानी पंख। बीटल। बीटल जो है विंच्ड इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे कीड़े जिनके पंख होते हैं जो उड़ सकते हैं। ठीक है, ये काले और चमकीले जो है कीड़े होते हैं, कीट होते हैं। विंग्स, अ मॉडिफाइड फोर लिम्ब हैविंग फेदर्स यूज्ड फॉर फ्लाइंग। जैसे पक्षी अगर आपने देखे हो, उनके सिर्फ पैर होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि ये जो उनके जो हाथ हैं वो हाथ ना होकर पंखों में बदल गए हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फोर लिम्ब का मॉडिफाई होना। फोर लिम्ब्स क्या होते हैं, हाथ। ठीक है, तो जब कोई भी पक्षी जो है उनके जो फोर लिम्ब्स हैं वो मॉडिफाई होकर पंख बन चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं विंग यानी पंख। नेक्स्ट इज वायर। अ मेटल ड्रॉन इनटू थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड्स। आप सबने तार देखी है ना, तार कैसी होती है, मेटल की बनी हुई होती है, पतला सा धागा जैसे ये दिखती है ना, तो इसको हम कहते हैं वायर। नेक्स्ट इज फनी। फनी यानी अम्यूजिंग, कॉजिंग लाफ्टर, ऐसी कोई भी चीज जो आपको हंसी दिलाए उसको हम कहते हैं फनी। वो कोई चीज हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है ना, तो इसको हिंदी में हम हास्यप्रद भी कहते हैं, यानी ऐसा कुछ भी जो हमें हंसी दिलाए। नेक्स्ट इज वे। वे का मतलब होता है मेथड, मैनर यानी तरीका, है ना, जैसे यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे वे ऑफ पीपल ग्रोइंग, यानी किस तरीके से लोग बड़े होते हैं, है ना। तो ये थे इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड। आई होप आपको ये पोएम जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसकी क्वेश्चन आंसर्स और जो इसकी बाकी की एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।